प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। कल अपन बात कर रहे थे ग्रुप की। ग्रुप में कुछ अपन ने ग्रुप की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी। ग्रुप की फाइनाइट ग्रुप की कुछ एग्जांपल अपन ने डिस्कस किए थे। इनफाइनाइट ग्रुप की कुछ एग्जांपल अपन ने डिस्कस किए थे। आज अपन फाइनाइट ग्रुप की कुछ एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं Z4+4। Z4 का मतलब होता है 0, 1, 2, 3। प्लस फोर को कहते हैं अवशेष योग चार संक्रिया, ये एडिशन मोडुलो फोर संक्रिया इसको कहते हैं। और इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे ए की अगर बी से अपन ये संक्रिया करवाएंगे तो ए और बी को जोड़ने पर अगर चार से कम आता है तब तो अपन लिखेंगे A+B। लिखेंगे ए और बी को जोड़ने पर अगर चार से कम आता है तब तो अपन A+B लिखेंगे। और ए और बी को जोड़ने पे चार या चार से ज्यादा आता है तब A+B में से अपन चार को कम कर देंगे। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि A+B में चार का भाग कर देंगे। तो यहाँ पे अपने को समुचित रहेगा Z4=0, 1, 2, 3। जीरो संक्रिया अपने को दे रखी है +4, एडिशन मॉडुलो 4 दे रखा है। तो अपन चेक करके देखेंगे इस संक्रिया के लिए समुचित ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। तो यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप दे रखा है, परिमित संख्या में समुचित दे रखा है, इसलिए अपन क्या करते हैं कंपोजिशन के अनुरूप बनाते हैं संक्रिया सारणी बनाते हैं 0, 1, 2, 3। इधर अपने दे रखा है 0, 1, 2, 3। संक्रिया दे रखी है +4। सबसे पहले अपन संक्रिया सारणी बनाएंगे। 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 0। 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा। 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आएगा। ये हो जाएगा 1 और 0 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, 3 और 1 4, 4 का मतलब 0। यहां से अपन देख सकते हैं ए और बी को जोड़ने पे अगर 4 से कम आता है तब तो अपने को कोई संख्या लिखनी है। संक्रिया का नाम है अवशेष योग। अवशेष यानी जो शेषफल आता है उसके बराबर, किसी भी संख्या में अगर अपन 4 का भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है उसके बराबर हमेशा इसका मान आना चाहिए। किसी भी संख्या में अगर अपन 4 का भाग देते हैं तो शेषफल या तो 0 बच सकता है या 1, 2, 3 बच सकता है। तो जो शेषफल बचता है उसके बराबर इसका मान आना चाहिए। तो अवशेष योग और को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर ए और बी को जोड़ने में 4 से कम आएगा तो कोई संख्या लिखनी है। ए और बी को जोड़ने में 4 या 4 से ज्यादा आता है तब या तो A+B में 4 का भाग देंगे जो शेषफल आएगा वो लिखेंगे या A+B में से 4 कम कर देंगे। तो यहाँ पे ए और बी को जोड़ेंगे 4, 4 में से 4 कम कर दिया। फिर 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, ये 3 आएगा। 2 और 2 4, 4 का मतलब 0। 2 और 3 5, 5 का मतलब 1। 3 और 0 3 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 का मतलब 0। 3 और 2 5, 5 का मतलब हो जाएगा कितना 1। 6, 6 का मतलब हो जाएगा 2। तो सबसे पहले पहले बच्चों अपने को ये संक्रिया सारणी बना के देखनी है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सारणी में जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सारे समुचय के अंदर विद्यमान है। सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि जो समुचय दे रखा है वो दी गई संक्रिया के लिए समर्थ है या नहीं, क्लोजर है या नहीं। तो यहाँ अपन देखते हैं कि सारणी में जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सारे के सारे समुचय में विद्यमान है। जितने भी सारणी में अवयव है वो सारे समुचय के अंदर विद्यमान है। तो इसका मतलब समुचय वो क्या हो जाएगा, दी गई संक्रिया के लिए समर्थ हो जाएगा। उसके बाद अपन चेक करेंगे साचर्य का। तो योग संक्रिया सदैव सहचारी होती है तो इस समुचय में भी क्या हो जाएगी, सहचारी हो जाएगी। फिर अपन देखेंगे तत्समक अवयव। तो यहाँ तत्समक अवयव देखने का तरीका कल अपन ने देखा था, ऐसा सेम कोलन कहाँ पे आ रहा है, ऐसा सेम कोलन जहाँ पे आ रहा है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या होता है, तत्समक अवयव होता है। तो यहाँ पे तत्समक अवयव कितना हो जाएगा, 0 तत्समक अवयव हो जाएगा। तत्समक अवयव हो जाएगा 0। फिर अपन देखेंगे प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव देखने का क्या तरीका होता है, डेफिनेशन ये होती है ए की बी से संक्रिया करवाने के अगर ई आ जाए तब बी क्या कहलाता है, ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। तो यहाँ अपने ये देखना है कि कौन कौन से अवयव की संक्रिया करवाएं कि तत्समक अवयव आता है, वो दोनों अवयव एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, प्रतिलोम कहलाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जहां जहां तत्समक अवयव आता है वहां वहां देखें तत्समक अवयव यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे है, 0 की 0 से संक्रिया करवाने पे है, इसका मतलब 0 का प्रतिलोम अवयव कितना हो जाएगा, 0। और अपन ये बात जानते हैं तत्समक अवयव का प्रतिलोम हमेशा
सारणी में गुणन के लिए तो देखते हैं क्या तरीका होता है, प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर अगर होती है तो वो संक्रिया क्या होती है, क्रमणी में होती है, और ग्रुप क्या कहलाता है, क्रमणी में ग्रुप कहलाता है। तो यहां पर देखें पहली पंक्ति पहला स्तंभ बराबर है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बराबर है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बराबर है, चौथी पंक्ति चौथा स्तंभ बराबर है। तो इस वाले संक्रिया क्रमणी में हो जाएगी और ग्रुप क्या कहलाएगा, क्रमणी में ग्रुप कहलाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि जेड फोर है वो प्लस फोर संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप है, जेड फोर प्लस फोर संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाएगा। इसी प्रकार अपन चेक करते हैं जेड फाइव प्लस फाइव, इसी प्रकार अपन पहले बच्चों के एग्जाम्पल और करके देखते हैं। अपन बात करें जेड फाइव प्लस फाइव, जेड फाइव का मतलब इसका एलिमेंट हो जाएंगे जीरो एक दो तीन चार। संक्रिया को अपन इस तरीके से डिफाइन कर देंगे, अगर ए में बी जोड़े तो अगर पांच से कम आता है तो वो इसमें लिखनी है, और ए में बी जोड़ने में पांच या पांच से ज्यादा आता है तब ए प्लस बी में से पांच घटा के लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं जेड फाइव प्लस फाइव का ग्रुप है या नहीं, वही अपने कोई तरीका है सारणी अगर बनाए जीरो एक दो तीन चार, इधर आएगा जीरो एक दो तीन चार, संक्रिया है प्लस फाइव। सबसे पहले संक्रिया सारणी बनाएंगे, जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो एक ये दो ये तीन ये चार, इधर एक हो जाएगा फिर दो हो जाएगा तीन हो जाएगा चार हो जाएगा पांच, पांच का मतलब जीरो। संक्रिया को अपने इस तरीके से डिफाइन करेगा, ए और बी को जोड़ने में पांच या पांच से ज्यादा आता है तो ए प्लस बी में से पांच कम कर देंगे। इसी प्रकार दो में जीरो जोड़ेंगे, दो आएगा ये तीन आएगा ये चार आएगा, पांच पांच का मतलब जीरो, छह छह का मतलब तीन, ये तीन आएगा तीन और एक का मतलब चार हो जाएगा, पांच पांच का मतलब जीरो, छह छह का मतलब तीन, सात सात का मतलब दो, चार पांच का मतलब जीरो, छह का मतलब एक, सात का मतलब दो, आठ का मतलब कितना हो जाएगा तीन। अब यहां पर देखिए सारणी में जितने भी अवयव आ रहे हैं वो समुच्चय के अंदर है या नहीं, समर्थता का मतलब होता है सभी अवयवों की आपस में संक्रिया करवाते हैं, सभी अवयवों की आपस में संक्रिया करवाने में जो भी अवयव आते हैं वो वापस क्या आने चाहिए, समुच्चय में आने चाहिए। तो यहां पर देखिए सभी अवयवों की अपने आपस में संक्रिया करवाई है, सारणी में जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सारे समुच्चय के अंदर विद्यमान है, तो इसका मतलब दिया गया समुच्चय दी गई संक्रिया के लिए क्या होगा, समर्थ होगा। उसके बाद में साझे का चेक करेंगे, योग संक्रिया सदैव सहचारी होती है तो यहां भी सहचारी हो जाएगी। फिर हम देखेंगे तत्समक अवयव, ऐसा सेम बोलन यहां पर लिखा है तो इसके ऊपर जो लिखा होगा वो क्या होगा, तत्समक अवयव होगा, तो तत्समक अवयव कितना हो जाएगा जी। तत्समक अवयव हो जाएगा जीरो, तत्समक अवयव जीरो। उसके बाद में हम देखेंगे प्रतिलोम, प्रतिलोम अवयव देखने का तरीका होता है यदि ए की बी से संक्रिया करवाने के अगर तत्समक अवयव आ जाता है तब बी क्या कहलाता है, ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। तो यहां पर देखिए कि कौन कौन से अवयव की संक्रिया करवाने पे तत्समक अवयव आ रहा है, तत्समक अवयव यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे तत्समक अवयव है, यहां पे तत्समक अवयव है, यहां पे तत्समक अवयव। अब ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे है, जीरो की जीरो से संक्रिया करवाने पे है, तो इसका मतलब जीरो का प्रतिलोम अवयव कितना हो जाएगा जीरो। और वैसे भी अपन जानते हैं तत्समक अवयव का प्रतिलोम हमेशा क्या होता है, खुद ही होता है। ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आ रहा है, ए की चार से संक्रिया करवाने पे आ रहा है, ए की चार से संक्रिया करवाने पे आ रहा है। ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आ रहा है, दो की तीन से संक्रिया करवाने पे आ रहा है। ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आ रहा है, तीन की दो से संक्रिया करवाने पे आ रहा है। ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आ रहा है, चार की एक से संक्रिया करवाने पे आ रहा है। तो यहां पर देखें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान। फिर अपन बात करेंगे क्रमणी वितर, क्रमणी वितर चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका है, यदि प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर हो तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, क्रमणी में ग्रुप कहलाता है। तो यहां पर देखें पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बराबर है, चौथी पंक्ति चौथा स्तंभ बराबर है, पांचवी पंक्ति पांचवा स्तंभ बराबर है। तो इसका मतलब दी गई संक्रिया क्या हो जाएगी, क्रमणी में हो जाएगी, और वैसे भी योग संक्रिया क्रमणी में होती है, तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, क्रमणी में ग्रुप हो जाएगा। Z5 प्लस 5 क्या होगा, क्रमणी में ग्रुप होगा। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ग्रुप की कोटि या ग्रुप के ऑर्डर का
वो क्या कहलाती है, उसकी कोटि कहलाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस ग्रुप की कोटि कितनी हो जाएगी, पांच, पांच इसकी कोटि हो जाएगी। तो यहां हम एक बात ये कह सकते हैं कि एक बार अपने जैसे इसकी बात करें जनरली अगर अपन बात करें जेड एन प्लस एन की अगर बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि जेड एन प्लस एन में क्या होता है, ग्रुप होता है। जेड एन प्लस एन में अपन नोट लगा के बात लिख सकते हैं कि जेड एन प्लस एन वो ओबेली ग्रुप है, करामेली में ग्रुप है, जहां जेड एन इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो वन टू थ्री एन माइनस वन। तथा एन क्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, क्योंकि एक बार अपने एन का मान अपने चार लिया था, एक बार अपने एन का मान पांच लिया था, दोनों ही केस में क्या रहा, ओबेली ग्रुप आ रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जनरली अपने नियम इसका ऐसा डेवलप कर सकते हैं कि कोई भी अगर प्राकृत संख्या लेंगे तो ये हमेशा क्या बनेगा, ओबेली ग्रुप बनेगा। तो सीधा से याद करके हमने वही बात की जेड एन प्लस एन है वो हमेशा क्या होता है, ओबेली ग्रुप होता है, करमेणी में ग्रुप होता है, जहां पे एन कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। इसी प्रकार के हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें अपन ये देखेंगे कि अगर यहाँ पर प्लस की जगह अगर अपन मल्टीप्लाई ले लें तब ये प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ होता है या नहीं होता है, उससे संबंधित एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करके देखेंगे।